हाँ, अभी तक जो साइक्लोन का ट्रैक चल रहा था तो वो देवभूमि द्वारिका और कच्छ का है, और अभी कच्छ का है तो विंड स्पीड और रेनफॉल तो है ही है, जैसे कि देवभूमि द्वारिका में भी काफी हैवी रेनफॉल हुआ है, जामनगर, जूनागढ़ और कच्छ में, और विंड स्पीड काफी तेज है जो कि सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में रहेगा। आज इवनिंग में ये इसका असर सबसे ज्यादा रहेगा 4 to 8, तो इवनिंग के बाद हम देखते हैं कि हम जो उसमें इसके बाद जो है रेस्टोरेशन वर्क्स में हम लगेंगे, जैसे इसमें इलेक्ट्रिक पोल अप्रूव होगा, पेड़ अप्रूव होगा, जो भी होगा, तो एनडीआरएफ टीम उसमें पूरा तरह से अलर्ट है और कार्य करेगी। हम लोग के मेनली साइक्लोन में जो हम लोग की टीम पूरी फुली इक्विप रहती है, जिसमें फ्लड वाटर रेस्क्यू का पूरा इक्विपमेंट्स रहता है, जैसे कि हमारे पास इन्फ्लेटेबल रबर बोट्स, आउटबोर्ड मोटर्स, लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट्स, डीप डाइवर्स हमारे रहते हैं, डीप डाइविंग सेट्स, बट ये साइक्लोन है तो इसमें हम हैवी कटर्स, चेनसॉ, कंक्रीट कटर्स, वुड कटर्स, जैक्स, एयरलिफ्टिंग बैग्स, क्योंकि ये इसमें काफी कटिंग का काम होता है, तो विथ ऑल सेफ्टी पीपीस हम पूरी तरह से इक्विप हैं, रोप रेस्क्यू के पूरे हमारे पास सामान है, फर्स्ट एड के पूरे सामान है, तो इस तरह हमारी टीम फुली इक्विप्ड है, सेल्फ कंटेन टीम है, और जहां पे हमें टास्क मिलेगा हमारे एरिया में जहां हमारी टीम डिप्लॉय है, हम उसमें फिर फर्दर रेस्टोरेशन वर्क्स में आगे लगे। किस तरह से लोगों से संपर्क करते हैं, हालांकि संपर्क नहीं पड़ता, लोगों संपर्क इस प्रकार से करते हैं, कितने लोग इंडिया में रेस्क्यू के किस तरह से क्या कुछ इंडिया? हाँ, अभी तक जो हमारा 13 और 14 जून को है, हम जिस डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉय रहते हैं अलॉन्ग विद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमें जो टास्क मिलता है हम जाते हैं वहां पे और लोगों को समझाते हैं कि ये साइक्लोन है, उसके डूज एंड डोंट्स क्या करना है साइक्लोन के पहले, ड्यूरिंग और आफ्टर, और जगह भी सेफ नहीं है क्योंकि विंड स्पीड बहुत तेज है, तो थैस्ट हर्ट्स और कच्चे घर जो है उसमें रहना ठीक नहीं है, उनकी सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है, उससे उनको नुकसान हो सकता है, उनको समझा के जो साइक्लोन शेल्टर्स हैं उसमें रखते हैं, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरा उनके पास जो खाने पीने का सामान दिया जाता है, और आफ्टर दैट फिर उनको अपनी जगह पे शिफ्ट किया जाएगा। सर, आखिरी सवाल, हमने देखा है इंडिया हमेशा टफ चैलेंज फेस करती है, हालांकि बाढ़ लेकिन जिस तरह से बाढ़ मौसम विभाग कह रहा है साइक्लोन काफी तेज, तो कितना टफ चैलेंज आप लोग एनडीआरएफ के लिए? डिजास्टर तो चैलेंज है ही है, सभी के लिए है, सिटीजन के लिए भी है, हम लोगों के लिए भी है, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी है, तो इसको फेस करने के लिए हम लोग हमारी ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं, इक्विपमेंट्स पे, और अदर स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर उससे लड़ने के लिए, डिजास्टर को फेस करने के लिए हम लोग हमेशा उसकी तैयारी में रहते हैं और तैयार हैं हम पूरी तरह से।